नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांजन। मैं आ गया मेरा नेक्स्ट वीडियो लेके। आज और एक कारखाना का वीडियो आ गया। आप जैसा कि थंबनेल लेख पे भी समझ गए होंगे कि दो दो गाड़ियां फिर से मैं दिखाने वाला हूं, और दोनों में ही बहुत कंपटीशन तो होता ही है। एक है मारुति ऑल्टो, जो कि मारुति सुजुकी का बहुत हॉट फेवरेट गाड़ी है, और एक है हुंडई सेंट्रो, जो कि ऑल टाइम डिमांड में रहता है। सेंट्रो तो बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यूड हो चुका है हुंडई की तरफ से, पर फिर भी इतना डिमांड आता है सेंट्रो का i10 का कि आप लोगों को मतलब मुझे लेके आना ही पड़ा आप लोगों के लिए एक सेंट्रो, और अभी एक दिखाएंगे वाइट कलर में ऑल्टो। तो दोनों का ही डिटेल्स बताएंगे, प्राइस भी बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। जेन एस्टुलो का वीडियो के थ्रू बुकिंग हो गया। बुकिंग किए हैं संजय दा ने चंदन नगर से, तो संजय दा का बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन। तो चलिए आज दो गाड़ियाँ दिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ ऑल्टो से। ये है 2012 का ऑल्टो। तो चलिए वॉक अराउंड करके आप लोगों को फिर से मैं एक्सटीरियर दिखा देता हूँ, इंटीरियर दिखा देता हूँ, इंजन का साउंड दिखा देता हूँ, इंजन का क्वालिटी जो भी है आप लोगों को बता देता हूँ, कितना किलोमीटर्स ड्रिवन है सब कुछ डिटेल्स में बोल दूंगा, और लास्ट में प्राइस भी जानेंगे, उसके बाद देखेंगे सेंट्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मारुति सुजुकी का माइलेज किंग गाड़ी ऑल्टो। माइलेज किंग गाड़ी इसलिए बोला जाता है कि इस गाड़ी का तेल सर्विस, ऑयल सर्विस, पेट्रोल में बहुत ही अच्छा होता है। 17-18 माइलेज तकरीबन आप लोगों को मिल जाता है सिटी में। हाईवे में तो 20+ माइलेज इसमें मिलता है। तो इस वजह से ये गाड़ी थोड़ा स्पेशियस तो कम है, पर माइलेज की वजह से ज़्यादा जाना जाता है, और लोगों में इसलिए बहुत ही फेवरेट भी होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्सटीरियर, ये वाइट कलर में ऑल्टो LXi गाड़ी है, स्क्रैचलेस कंडीशन में है, बम्पर ब्लैक कलर में है और बॉडी वाइट कलर में है, तो कॉम्बिनेशन भी अच्छा ही लग रहा है दिखने में। तो आप लोगों को साइड प्रोफाइल भी दिखा देते हैं। ये है 2012 अगस्त का गाड़ी है। 2022 अगस्त तक इसका टैक्स भी पेड है। ऑल्टो LXi गाड़ी है। और इसके बाद चलिए आप लोगों को टायर कंडीशन भी दिखा देते हैं। चारों टायर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अभी 10-15,000 किलोमीटर तो तकरीबन चलेगा ही। ये फर्स्ट डोर ओपन किया हूँ, और अभी चलते हैं थोड़ा इंटीरियर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ब्लैक कलर में सीट कवर लगा हुआ है, और गाड़ी में आप लोगों को मिल जाएगा AC और पावर स्टीयरिंग। ये LXi गाड़ी है, LX मॉडल में पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता है, पर LXi में पावर स्टीयरिंग होता है। 53,000 ओनली किलोमीटर्स ड्रिवन है, जैसा कि ऑडोमीटर शो कर रहा है। एकदम क्लीन इंटीरियर आप लोगों को दिखने को मिलेगा, और इस गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा फिटिंग में म्यूजिक सिस्टम नहीं है, और पावर विंडो भी नहीं मिलता है, ओनली AC एंड पावर स्टीयरिंग। आप लोग बाद में भी ये सब फिटिंग करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। एकदम सीट कवर इंटैक्ट है, और पीछे में डिगी स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। आप सामान रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो ये हो गया सेकेंड डोर। इसके बाद चलिए आप लोगों को एक बार डिग्गी ओपन करके डिग्गी दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वेल मेंटेन गाड़ी है, अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। और एक बार आप लोगों को पीछे का लुक भी दिखा देते हैं, और स्टेफनी दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टायर कंडीशन भी इसका अच्छा है, मतलब फिफ्थ टायर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रास्ते में अगर कुछ टायर में पंक्चर हो गया तो ये वाला टायर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड डोर एंड लेफ्ट प्रोफाइल व्यू। इसका फ्रंट टायर भी देखिए, चारों टायर ही बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। और ये हो गया लास्ट डोर, फोर्थ डोर लेफ्ट प्रोफाइल में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एकदम ही वेल मेंटेन, एक्सेलेंट कंडीशन में गाड़ी है। गाड़ी चला के भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो टेस्ट ड्राइव के लिए ज़रूर दिया हुआ नंबर पे कॉल कर लीजिए, और जल्दी से आ जाइए। तो अभी चलिए गाड़ी स्टार्ट करके AC का टेस्टिंग कर लेते हैं, कि AC का प्रेशर कैसा है, ठंडा होने में कितना टाइम लग रहा है, कूलिंग कैसा है। तो जैसा कि मैंने ऑन किया, और देख रहा हूँ कि एकदम हवा का फ्लो बहुत ही अच्छा है, और एकदम ही मतलब 1 मिनट में कूलिंग हो जाता है। अभी चलिए बोनेट ये ओपन करके आप लोगों को एक बार बोनेट हुड भी दिखा देते हैं, और इंजन साउंड, इंजन का कंडीशन कैसा है एक बार दिखा देते हैं। तो आ गया हूँ मैं अभी बाहर।
और अभी बोनेट ओपन करने वाला हूँ। इस गाड़ी के लिए NOC अवेलेबल है और इंश्योरेंस भी रनिंग है, तो इंजन का साउंड भी काफ़ी कम है, एकदम माइनर साउंड वाला इंजन है। और ये है बोनेट हुड का जो रिम है, एकदम ही इंटैक्ट है, कोई ब्रोकन नहीं है, लूज नहीं है। और इसके बाद चलिए आप लोगों को इंजन दिखा देते हैं। गाड़ी एकदम वर्किंग कंडीशन में, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। ये दोनों ही एप्रन बिल्कुल भी सील्ड है, बैटरी एकदम ग्रीन है, मतलब अच्छी कंडीशन में है। कोई भी अभी गाड़ी में काम नहीं है, सिर्फ तेल भराइए और चलाइए, फर्स्ट ओनर गाड़ी होने वाला है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसके बाद पेपर डिटेल्स बोल के प्राइस जानते हैं। तो ये है वाइट कलर में चमचमाता हुआ ऑल्टो, बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं। वेस्ट बंगाल छोड़ के मणिपुर, असम, नागालैंड में भी बहुत डिमांड होते हैं, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं वहाँ। तो कोई भी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दिया हुआ नंबर पर ज़रूर कॉल करके कार खजाना आ जाइए। ये है गिरीश पार्क में, उल्टोडाना में भी हम लोगों का पार्किंग है, तो ये गाड़ी देखने के लिए आ जाइए, टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, अगर पसंद आए तो बुक कर लीजिए। तो इस गाड़ी का जो प्राइस होने वाला है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जो कि होने वाला है ओनली एंड ओनली 1,35,000 रुपीज़। 2012 का गाड़ी, 22 मिड तक टैक्स, मतलब अगस्त तक टैक्स मिल जाएगा आप लोगों को, सितंबर में जाके फिर से आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। और ऑल्टो का सबसे खास बात ये होता है कि टैक्स, रोड टैक्स जो होता है बहुत ही कम होता है। ऑल्टो ये सब गाड़ी 800 cc का इंजन होता है, इसलिए 18,000 रुपीज़ ओनली रोड टैक्स इसका पड़ता है। तो आप लोग अगर 6-7 महीने बाद अगर टैक्स भी देना पड़े तो बहुत ही कम पैसों में आप 5 ईयर्स के लिए अपडेट हो जाएगा। इसका इंश्योरेंस भी रनिंग है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो बहुत ही एक अच्छा प्राइसिंग होने वाला है, 1,35,000 ओनली। पसंद आ रहा है तो दिया हुआ नंबर पर ज़रूर कॉल कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पर, जो कि है हुंडई सेंट्रो। तो नेक्स्ट गाड़ी पर आ जाते हैं, हुंडई सेंट्रो, जो कि हुंडई का बहुत ही हॉट फेवरेट गाड़ी है सब लोगों की। तो ये है रेड कलर में हुंडई सेंट्रो जिंग, 2009 की गाड़ी है और 2024 तक इसका टैक्स भी पेड है। और ये है GL मॉडल कार, इसमें आप लोगों को AC पावर स्टीयरिंग म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, वो इंटीरियर में आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, पहले एक्सटीरियर आप लोगों को दिखा देते हैं। बहुत ही मिंट कंडीशन में गाड़ी है, टायर कंडीशन भी बहुत ही काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप लोग लेफ्ट प्रोफाइल भी देख सकते हैं। और ये है टायर का कंडीशन, जो कि अभी भी 10-12,000 किलोमीटर्स तो चल ही सकता है। और सामने से भी आप लोगों को दिखा देते हैं, तो गाड़ी का जैसे आप लोग फ्रंट व्यू भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन कंडीशन में गाड़ी रखा हुआ है। ये है सेकेंड ओनर कार और अराउंड 50,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। फ्रंट टायर्स भी आप लोगों को और एक बार दिखा देते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसी कंडीशन में टायर अगर मिले तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में सीट कवर और स्टीयरिंग कवर भी लगा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें पावर विंडो नहीं मिलता है, 4-डोरी मैनुअल है, बट आप लोगों को AC म्यू सिस्टम और पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, जो कि एसेंशियल तो होता ही है मेरे हिसाब से। ये सब गाड़ी में आप लोगों को EMI फिनेंस फैसिलिटी नहीं मिल जाएगा, कैश परचेस में ही लेना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, म्यूज़ सिस्टम है, AC है, रूफ़ वगैरह भी काफ़ी एकदम क्लीन है, इंटीरियर भी क्लीन इंटीरियर मिल जाएगा। इस गाड़ी में पॉलिशिंग हो चुका है। गाड़ी को अभी स्टार्ट करते हैं और AC चेक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक गाड़ी के लिए मैं AC ज़रूर टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। एकदम तुरंत ये ठंडा करने वाला गाड़ी है, AC एकदम चिल्ड है, तो कोई भी काम नहीं है गाड़ी में। तो चलिए अभी थोड़ा आप लोगों को बाहर की तरफ से इंजन दिखा देते हैं। ये बोनेट भी पूरा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सील्ड है, वेल मेंटेन्ड है। नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी में हम लोग डील करते हैं, तो बेफिक्र होकर आप लोग गाड़ी आके चेक कर सकते हैं। आप लोगों को इंजन, क्राउल टॉप, आप लोगों को एप्रॉन, ये सब दिखा देते हैं, एकदम ही पॉलिश करके क्लीन इंजन, ये सब आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। गाड़ी काफ़ी अच्छा कंडीशन में रखा हुआ है, सेकेंड ओनर गाड़ी होने वाला है ये, जैसे कि विन प्लेट आप लोगों को विजिबल मैं करवा रहा हूँ। इंजन कंडीशन भी काफ़ी सही है, गाड़ी में कोई काम नहीं है, सिर्फ इस गाड़ी के लिए भी तेल भराइए और चलाइए। अभी आप लोगों को थर्ड डोर ओपन करके मैं दिखा देता हूँ।
लेफ्ट साइड व्यू जैसा कि हर गाड़ी के लिए मैं आप लोगों को शो करता हूँ, जैसे कि हर एक एंगल से आप लोगों को गाड़ी के बारे में आइडिया हो जाए। आके एकदम से मतलब देखने का ज़रूरत नहीं पड़े, सिर्फ आके टेस्ट ड्राइव लीजिए और गाड़ी पसंद आए तो फाइनल कीजिए। इस वजह से ऐसा ही रिव्यू मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये मैं डिग्गी ओपन करता हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डिग्गी डोर भी काफ़ी सील्ड कंडीशन में, ब्रोकन नहीं है, एकदम ही अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल भी मेंटेन किया हुआ गाड़ी है। तो ऐसे ही गाड़ी हम लोग और भी ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के लेके आने के लिए। तो ये है सेंट्रो जिंग 2009 की गाड़ी है, 2024 जनवरी या फरवरी तक इसका टैक्स भी पेड है। इंश्योरेंस आप लोगों को करवाना पड़ेगा, सेकेंड ओनर गाड़ी होने वाला है। अभी आ जाते हैं इसका प्राइसिंग पे। तो इसका प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1,05,000, सिर्फ 1,05,000 जो कि फिक्स प्राइस है, मिल जाएगा ये सेंट्रो जिंग 2009 का। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का दो जो गाड़ी आप लोगों को दिखाए कार खजाना में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं थोड़ा लो बजट के ऊपर गाड़ियों में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जो कि मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। अभी कोरोना टाइम पे ऐसी गाड़ियों का डिमांड ज़्यादा होता है। तो 1,00,000 की बजट में बहुत सारे गाड़ी फ्यूचर में भी आप लोगों को दिखेगा। आप लोगों को अगर कोई भी गाड़ी का रिक्वायरमेंट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रख के मुझे भी हौसला मिलता है। तो आज का वीडियो चलिए इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।